हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्लांट्स की कटिंग को मिट्टी में लगाने का सही तरीका। कोई भी प्लांट को अगर हम सही तरीके से लगाते हैं तो प्लांट का रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, 100% हमें रिजल्ट मिलता है। और जो प्लांट्स हम कटिंग के साथ ग्रो करते हैं, अगर हम कटिंग्स को सही तरीके से लगाया जाए, उसमें मिट्टी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, उसमें पानी कैसे देना है, सभी चीज़ों का अगर हम प्रॉपर ख्याल रखें तो प्लांट 100% हमें सक्सेस देता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को मैंने कटिंग के साथ ही ग्रो किया हुआ है। इसमें हल्के से रूट्स भी थे और ये प्लांट लगाने के बाद देखिए, मुझे कुछ अभी 8-10 दिन हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने लगा है। तो आप जितने भी प्लांट्स कटिंग के साथ ग्रो करते हैं, चाहे वो हार्डी कटिंग्स हो चाहे सॉफ्ट कटिंग हो, सभी प्लांट को लगाने का तरीका लगभग सेम ही होता है। तो लेकिन हमें कुछ चीज़ें का ख्याल अगर रखा जाए तो आपकी जो कटिंग्स है वो बहुत आसानी से चल पड़ती है, बहुत अच्छे से ग्रो होने लगती है। तो देखिए, आप जैसे स्पाइडर प्लांट लगाने वाले हैं या लगाएंगे, तो आप स्पाइडर प्लांट के कोई भी छोटे छोटे बेबी पप्स जिसमें से निकलते हैं, आप उनको अगर लगाते हैं तो वो भी आसानी से लग जाती है। और इसे लगाते टाइम कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, वेंड्रिजियम प्लांट है। इस प्लांट को मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। ये जो प्लांट्स की कटिंग है, ये पानी में मैंने 8 दिन रखी, तो 8 दिन बाद इनको रूट्स डेवलपमेंट हो गया इनमें और अभी ये रेडी है कटिंग्स मिट्टी में लगाने के लिए। तो आप जब भी कटिंग्स को अगर ट्राई करते हैं लगाने के लिए, तो आप 1-2 दिन उनको पानी में रखिए जब तक कि उसके रूट्स बन जाए, उसके बाद आप उनको मिट्टी में लगा सकते हैं। आप उनको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं मिट्टी में, लेकिन अगर पानी में आप रख के लगाते हैं तो उनमें रूट्स डेवलप हो जाते हैं और वो आसानी से फिर चलने लगते हैं। तो ये मिट्टी का हमें प्रपोर्शन कैसे लेना है, तो यहाँ मैंने लिया है कोकोपीट। कोकोपीट एक बहुत ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाला मीडिया है। तो हम जब भी कोई भी हैंगिंग बास्केट रेडी करें या प्लांट्स लगाएं, तो प्लांट की मिट्टी हमेशा पोरस होनी चाहिए ताकि प्लांट से पानी आसानी से निकल आए। तो इसके लिए हमें प्रपोर्शन में मिट्टी के साथ में कोकोपीट या फिर आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी लिया हुआ है। तो ये मैंने कुछ बास्केट पहले ही रेडी करके रखे हुए थे, तो इनमें मैंने सेम मीडिया यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ देखिए, पानी ऑलरेडी डाला हुआ है, इसलिए मैं हल्का सा इसमें होल कर रही हूँ ताकि उसमें प्लांट की कटिंग अंदर आसानी से जा सके। जब आप कोई भी पॉट को करते हैं रेडी प्लांट लगाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ उसमें आपको प्लांट के पॉट में होल होना बहुत ज़रूरी है। होल होने से आपके प्लांट में जितना भी आप पानी देते हैं तो पानी इजीली निकल जाता है और रूट्स डैमेज होने का डर नहीं होता है या फिर फंगस लगने का डर नहीं होता है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ही प्लांट लगाने के टाइम पे ध्यान रखना ज़रूरी होगी। तो ये यहाँ पर देखिए, अभी मैंने कुछ कटिंग्स है जो कि जहाँ पर मैंने होल किया है उनमें अभी थोड़ा हल्का सा उनमें डिप किया है उनको, और हल्के हल्के मिट्टी से इन्हें दबा देना है। तो ज़्यादा इन्हें प्रेस नहीं करना होता है, हल्के से हमें इसको दबा देना होता है, तो ये आसानी से लग भी जाती है और इसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है। तो आप एक बास्केट में 4-5 कटिंग एक साथ लगा सकते हैं या फिर आप मिक्स प्लांट्स भी एक साथ लगा सकते हैं, जैसे 3-4 वैरायटी के प्लांट आप एक साथ लगा सकते हैं, तो आपको कलरफुल बास्केट मिलेगी। या फिर इन प्लांट को आप नॉर्मल पॉट्स में लगाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पॉट्स में भी लगा सकते हैं। सभी प्लांट, जितने भी प्लांट आप कटिंग के साथ ग्रो करते हैं, इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 प्लांट थे और मैं चाहती हूँ कि इस बास्केट को और भी कलरफुल करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वेंड्रिंग जू प्लांट लगा रही हूँ। तो वेंड्रिंग जू प्लांट को आप इस तरीके से लगाएं तो ये बहुत आसानी से चल पड़ती है इसकी कटिंग, और वेरी इजीली और बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला ये प्लांट है। इस प्लांट को हमें ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। 8 दिन में इसको 2 बार भी आप अगर पानी देते हैं तो ये प्लांट सफिशिएंट है इसके लिए इतना पानी। और जैसे कि आपकी कटिंग्स लगाने हो जाती है तो आप थोड़ा सा पानी उसको
देना है। उसके बाद इस कटिंग को आपने शेडी एरिया में रखना है, इसको ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि इनको अभी ये ग्रो नहीं हुए होते हैं, इनमें अभी टाइम होता है ग्रो होने के लिए, इसलिए आप इसको शेड में ही रखें, उसके बाद आप इसको धूप में रख सकते हैं। तो ये कुछ वेस्ट बॉटल का मैंने यूज़ किया हुआ था हैंगिंग बास्केट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी बॉटल थी, इसके दो पोर्शन में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक साइड में मैंने पोर्चुला का लगाया हुआ है, पोर्चुला का भी कटिंग आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है वेंडरिंग ज्यू। तो आप वेस्ट बॉटल में भी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। सभी प्लांट्स को आप इसी तरीके से लगाएंगे, चाहे वो स्पाइडर प्लांट हो, वेंडरिंग ज्यू हो, टर्टल वाइन, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे प्लांट्स की कटिंग आपके साथ शेयर की थी, यही तरीका है प्लांट्स को कटिंग के साथ ग्रो करने का। तो आप इसी तरीके से अगर कटिंग को लगाएंगे तो आपको भी 100% रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है। आप देख ही रहे, इस प्लांट की कटिंग भी मैंने लगाई हुई थी एक साल पहले, तो देखिए ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और इसके स्पाइडर्स भी निकल आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।